अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैसूर मसाला भाजी। ये आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और आप ये डोसों के साथ भी खा सकते हैं, मैसूर डोसे जिसको बोलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, ये हम तीन स्टेप में बनाएंगे। आलू थोड़े अलग बनाएंगे मसाले वाले, इसके बाद हम मसाला बनाएंगे और इसके लिए हमें एक चटनी भी चाहिए। चटनी के लिए हमें मैंने लिया हुआ है तकरीबन 4 से 5 रेशम पट्टी वाली मिर्चों को मैंने भिगो दिया 1.5 घंटा या 2 घंटे जितना, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। हाफ नेमन जाएगा इसमें, 5 से 6 क्लोव ऑफ गार्लिक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून ज़ीरा रोस्टेड पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून रोस्टेड चने का पाउडर है, ये रोस्टेड चने जो होते हैं भुने हुए चने उसका पाउडर है ये। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसकी चटनी बना लेंगे। आलू के लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 5 आलू मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल कर लिया और इसके अनइवन साइज़ के हाथ से टुकड़े कर लिए, मैश कर लिया हाथ से, तो ये इस तरह के पीसेस हो गए। इसमें जाएगा मिर्चे हरी वाली, ये 3 ली हुई है मैंने, मोटी मोटी कट कर ली। 1 टेबल स्पून जितना धनिया हरा, ये सारा 1/2 टीस्पून जितना राई है, 1/2 टीस्पून माश की दाल या उड़द की दाल, 1/2 टीस्पून जितना है ये सफ़ेद ज़ीरा बघार के लिए चाहिए, करी पत्ता थोड़े पत्ते बघार के लिए चाहिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा रोस्टेड, 1/2 टीस्पून हल्दी और नींबू 1/2। ये आलू के मसाले हैं। ये पहले हम इस मसाले से आलू प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हमें जो भाजी के मसाले में आलू ड्राई ना लगे। इसकी भाजी में जाएगा टमाटर, ये 3 बिग साइज़ के टमाटर है, 4 हरी मिर्चें इसको मैंने बिग बिग कट कर लिया है, 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने हाथ से चॉप कर लिया है, टमाटर को भी मैंने हाथ से चॉप किए हुए हैं। ये है पाव भाजी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का पाव भाजी मसाला ले लें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने पतीले में थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, अब मैं इसमें डालूंगी ये बघार। जब इसमें दाल को पिंक कलर आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। मिर्चे हमारे सारे ड्राई मसाले, आलू, ये डाल के हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाएगा, हम इसमें नींबू डाल देंगे। और धनिया मिक्स करके ये हमारे आलू रेडी हैं। भाजी बनाने के लिए मैंने उसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी मिर्चें। प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था, टमाटर, अब मैं इसको थोड़ी देर होने दूंगी, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया था, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने चटनी तैयार की हुई थी। ये चटनी तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा अभी डाली है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भाजी पाव मसाला 1.5 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
और हाफ टी स्पून जितना नमक अभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चटनी में भी डाला है और आलू में भी नमक है। अब हमने टमाटर को पूरा मैश करना है। अगर आपको आलू भी पूरे मैश चाहिए तो आप अभी आलू डाल दें, और अगर आपको आलू में थोड़े थोड़े पीसेस चाहिए तो ये पूरा मैश होने के बाद आप आलू डालिएगा। अब मैं इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लूँगी पूरे टमाटर को। हमारे टमाटर मैश हो गए, मैंने पोटैटो मैशर से मैश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी अभी आधे आलू डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिक्स करना है। अगर थोड़े इसके साथ मैश भी हो गए तो मसला नहीं है, ताकि ये आधे फिर साबुत रहेंगे। आधे आलू डालने के बाद अगेन मैं इसको मैश करूँगी। हमारे आधे आलू भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए, थोड़े थोड़े टुकड़े हैं। अब मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी मैशर से, इसको इसी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि थोड़े थोड़े आलू चंक्स में भी रहे। अच्छे से मिक्स कर ले इसको, नमक चख ले, मसाला चख ले, और अगर आपको चटनी की ज़रूरत हो और चटनी डाले, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डाल रही। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा भाजी पाव मसाला, और चाहिए मुझे ये डालूँगी, और ये हमारा हरा धनिया थोड़ा अभी डालूँगी, थोड़ा ऊपर के लिए छोड़ूंगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और मैं डाल रही हूँ बटर थोड़ा सा, इसको मिक्स करूँगी, और ये हमारी भाजी रेडी है। ये इसलिए इतनी मैशी मैशी है क्योंकि ये लोग डोसे के ऊपर इसी तरह से बनाते हैं। सो डोसे के ऊपर ये लोग पोटैटो मैशर से मैश करते हैं, ये पूरी मैशी मैशी हो जाती है और ये बहुत मज़े की लगती है। ये हमारी मैसूर मसाला भाजी इज़ रेडी। ये आप डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। पूरियों के साथ भी आप खा सकते हैं। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।